गाइस वेलकम टू द गैजेट शो। एंड आज चलिए एक रोम के बारे में बात कर लेते हैं जिसका नाम थोड़ा सा यूनिक है। तो इस रोम का नाम है येट अनदर यूएसपी प्रोजेक्ट, इन शॉर्ट YAAP। तो यहाँ पे तो ये एकदम से ही सिंपल कस्टम रॉम है जिनका मेन फोकस है सिंपलिसिटी एंड स्टेबिलिटी पर, आई गेस सो, क्योंकि यहाँ पे हमें ज्यादा कस्टमाइजेशन देखने को नहीं मिलता, काफी सिंपल है एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो फर्स्ट में ही चलिए बात कर लेते हैं इस रॉम के डिटेल्स के बारे में। तो डिटेल्स में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये एक एंड्रॉइड 11 बेस्ड रॉम है, सिक्योरिटी पैच है 5th November 2020 एंड ये रॉम बेस्ड है यहाँ राफेल कर्नल पर। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए बात कर लेते हैं इस रोम के यूआई एंड होम स्क्रीन के बारे में। तो होम स्क्रीन काफी ज्यादा रेस्पॉन्सिव है, एनिमेशन में तो कोई लैग हमें देखने को नहीं मिलता। एंड अगर हम लोग बात कर ले डिफॉल्ट लॉन्चर के बारे में तो यहाँ पे YAAP लॉन्चर यूज किया गया है जो मेरे ख्याल से काफी ज्यादा यहाँ पे फीचर रिच है। होम स्क्रीन सेटिंग में आ जाए तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे कस्टम आइकन पैक्स को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर खत्म नहीं होता, आपको यहाँ पे हिडन एंड प्रोटेक्टेड ऐप का भी फीचर देखने को मिल जाता है। सेम गोज फॉर द सजेशन, यहाँ पे सजेशन के लिए भी आपको एक डेडिकेटेड मेन्यू देखने को मिल जाता है जिसमें कि आप अपने डॉक में सजेस्टिव डॉक को एनेबल कर पाएंगे। यहाँ पे आप सजेशन में एप्लीकेशन को ब्लॉक भी कर पाएंगे जो आपके सजेशन लिस्ट में शो नहीं होगा कभी भी। तो ऐसे ही काफी सारे ऑप्शन यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल ये पिक्सल लॉन्चर से मुझे ज्यादा फीचर रिच लगा। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले स्टाइल्स एंड वॉलपेपर्स के बारे में तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कस्टम क्लॉक फेसेस को देख सकते हैं जो कि हम लोग लॉक स्क्रीन और अपने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले अप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमें ग्रिड साइज को चेंज करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है लेकिन ये थोड़ा सा अनस्टेबल है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लॉन्चर यहाँ पे स्टॉप हो जाता है एक्सीडेंटली। सिर्फ यही नहीं, स्टाइल्स एंड वॉलपेपर्स को ऑन करने पर भी कभी कभार लॉन्चर जो है स्टॉप हो जाता है। वॉलपेपर्स की बात कर ले तो वॉलपेपर्स में भी आपको ये वॉलपेपर बिल्ट इन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जल्दी से अगर हम लोग बात कर ले नोटिफिकेशन पैनल के बारे में तो आपको यहाँ पे 3x3 का ग्रिड साइज देखने को मिल जाता है जो मेरे ख्याल से काफी अच्छी बात है। एंड यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले टाइल्स के बारे में तो डिसेंट टाइल्स यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे कि कैफीन मोड यहाँ पे अवेलेबल है, नियर बाई शेयरिंग, डार्क थीम, स्क्रीन रिकॉर्डर भी अवेलेबल है, लेकिन ये एंड्रॉइड 11 का बिल्ट इन स्क्रीन रिकॉर्डर है तो इसमें आपको कोई भी ज्यादा एडवांस स्क्रीन रिकॉर्डिंग फीचर देखने को नहीं मिलेगा। जस्ट ये स्क्रीन रिकॉर्डर आपको 30 FPS रिटर्न करता है एंड यस आप यहाँ पे माइक्रोफोन को एक्सेस कर पाएंगे, लेकिन ये उतना मुझे इंप्रेसिव नहीं लगता। यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले तो डीसी डिमिंग का फीचर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, डीसी डिमिंग का टाइल भी यहाँ पे अवेलेबल है एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग यहाँ पे आपको गेमिंग मोड भी देखने को मिल जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई भी कस्टम FPS काउंटर का टाइल आपको देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे डार्क थीम का टाइल भी एकदम सही से काम करता है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग एक्सपैंड कर ले तो यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, NFC, मैट लॉक, स्टोरेज, काफी सारे ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। इन सभी टाइल्स को आप इनेबल कर सकते हैं एंड एकदम प्रॉपर्ली वर्किंग भी है। CPU इंफॉर्मेशन को भी आप यहां से एक्सेस कर सकते हैं। इनफैक्ट यहां पे साउंड एंड कॉम्पास के लिए भी डेडिकेटेड टाइल मौजूद है। अगर नोटिफिकेशन पैनल को आप एडिट करना चाहे तो आप नोटिफिकेशन पैनल को यहां से ही कस्टमाइज कर सकते हैं इन 3 डॉट्स को प्रेस करके। तो आप यहाँ पे कलम लेंस के मैक्सिमम रोज, क्विक पार्ट्स एंड लेबल्स को एनेबल कर सकते हैं। पूरी तरह से आप ग्रिड साइज को भी चेंज कर सकते हैं एंड कितने कलम्स, कितने रोज में कितने टाइल्स रहेंगे उन सभी को भी आप यहीं से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं सेटिंग्स मेन्यू के बारे में। तो सेटिंग्स मेन्यू में फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए बात कर लेते हैं YASP के बारे में जो कि इस रोम का कस्टमाइजेशन सेंटर है। यहाँ पे आपको ज्यादा कोई फीचर देखने को नहीं मिलता, एकदम से ही बेसिक फीचर यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे कि स्टेटस बार में आप देख सकते हैं बैटरी स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं, परसेंटेज को इनेबल कर सकते हैं एंड आप चाहे तो परसेंटेज को बैटरी आइकन के अंदर भी शो कर सकते हैं। आपको स्टेटस बार आइटम्स को टर्न ऑन करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है एंड आप चाहे तो यहाँ पे नेटवर्क ट्रैफिक डिस्प्ले को भी इनेबल कर सकते हैं स्टेटस बार पर। यहाँ पे अगर बात कर ले क्विक सेटिंग्स के बारे में तो ब्राइटनेस स्लाइडर को आप इनेबल कर सकते हैं, फुटर टेक्स्ट को भी इनेबल कर सकते हैं एंड मीडिया प्लेयर को भी आप QS पैनल पर इनेबल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सिस्टम UI को रीस्टार्ट करना पड़ता है। यहाँ पे अगर बात कर ले नेविगेशन बार के बारे में तो यहाँ पे भी 2 बेसिक ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। जेस्टर्स की बात कर ले तो AOSP जेस्टर सेटिंग को आप इस मेन्यू से चेंज कर सकते हैं, जैसे कि सिस्टम नेविगेशन हो गया या फिर कैमरा ओपनिंग जेस्टर। यहाँ पे लॉक स्क्रीन एंड स्टेटस बार में भी डबल टैप टू स्लीप का ऑप्शन दिया गया है, इन सभी को भी आप ऑन कर सकते हैं एंड यहाँ पे स्क्रीन पावर ऑफ टॉर्च जो फीचर होता है उन सभी को भी आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन की बात कर ले तो आपको यहाँ पे स्मार्ट स्पेस देखने को मिल जाता है, लेकिन कोई भी आपको यहाँ पे लॉक स्क्रीन FOD आइकन कस्टमाइजेशन या फिर लॉक स्क्रीन में ही फिंगरप्रिंट आइकन कस्टमाइजेशन का मेन्यू देखने को नहीं मिलता।
पावर मेन्यू की बात कर ले तो यहाँ पे भी कुछ बेसिक से मेन्यू यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे कि एडवांस रिबूट मेन्यू को आप वन लॉक्ड से ही ऑन कर सकते हैं, मतलब लॉक स्क्रीन से ही इनेबल कर सकते हैं। नोटिफिकेशन की बात कर ले तो एम्बिएंट एज लाइटिंग ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे कि आप इनेबल कर सकते हैं। एंड यहाँ पे कुछ बेसिक इन कॉल वाइब्रेशन ऑप्शन भी है जिन्हें आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। अबाउट्स में आ जाए तो इस रॉम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे सपोर्ट ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो सकते हैं जो कि टेलीग्राम में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अब चलिए बात कर लेते हैं नेटवर्क्स एंड इंटरनेट्स के बारे में। तो नेटवर्क्स एंड इंटरनेट्स में वाईफाई एकदम प्रॉपरली वर्किंग है, वोल्टी को लेकर भी एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम सही से ही काम करता है। अब अगर बात कर ले कॉलिंग के बारे में तो वाईफाई कॉलिंग तो एकदम सही से काम करता है, लेकिन यहाँ पे अगर बात कर ले वोल्टी वीडियो कॉल के बारे में तो वो मुझे ग्लिची लगा। मेरे पर्सनल यूजेज में वोल्टी वीडियो कॉल कनेक्ट होते ही डिस्कनेक्ट हो जाता है कॉल, तो वोल्टी वीडियो कॉल यहाँ पे ग्लिची है एंड आप इसे यूज नहीं कर पाएंगे। गैस कुछ बग्स तो यहाँ पे है जिसके बारे में मैं वीडियो के एंड में फिर से डिस्कस कर लूंगा, लेकिन फिर भी एक बार मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ ऑन ए रैंडम वे कि यहाँ पे ब्राइटनेस में कुछ प्रॉब्लम्स मैंने फेस किया। तो चलिए अब बात कर लेते हैं डायरेक्टली डिस्प्ले सेटिंग के बारे में। तो डिस्प्ले सेटिंग में मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे ब्राइटनेस में कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि ब्राइटनेस कभी कभार ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है एंड फिर से कम हो जाता है। तो ये एक छोटा सा प्रॉब्लम मैंने नोटिस किया एंड ये आप तभी फेस कर पाएंगे जब आपका डीसी डिमिंग इनेबल रहेगा। यहाँ पे इनफैक्ट डीसी डिमिंग के लिए भी एक मेन्यू है जो कि आप देख सकते हैं, कस्टम डिस्प्ले सेटिंग, डीसी डिमिंग को आप इनेबल कर सकते हैं। हाई ब्राइटनेस मोड, तो ये एक न्यू मोड मुझे देखने को मिला यहाँ पे, इसे अगर आप ऑन कर देंगे तो आपका जो डेजिग्नेटेड स्क्रीन ब्राइटनेस होना चाहिए उससे भी काफी ज्यादा हो जाता है, ताकि आउटडोर में आपको ब्राइटनेस रिलेटेड कोई भी इशू फेस ना करना पड़े। एडेप्टिव ब्राइटनेस एकदम सही से यहाँ पे काम करता है। एडवांस की बात कर ले तो एडवांस में आप यहाँ पे देख सकते हैं डेंसिटी ऑप्शंस में कुछ कस्टमाइजेशन मेन्यू यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे कि स्मॉलेस्ट डीपीआई मतलब डीपीआई सेटिंग को आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकेंगे एंड आल्सो डिस्प्ले साइज को चेंज कर सकेंगे एंड फॉन्ट साइज को भी कस्टमाइज कर पाएंगे। डार्क थीम को आप यहाँ से भी इनेबल कर सकते हैं, इनफैक्ट आप यहाँ पे शेड्यूल भी कर सकते हैं, एक्सेंट कलर को चेंज कर सकते हैं। काफी एक मेजर एक्सेंट कलर का मेन्यू आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है जिसमें काफी सारे ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे अगर बात करें बॉडी फॉन्ट के बारे में तो काफी एक लंबा फॉन्ट मेन्यू आपको देखने को मिल जाता है, तो इन बारे में ये रॉम काफी ज्यादा फीचर रिच है। यहाँ पे अगर बात करें आइकन शेप तो इसके लिए भी मेन्यू आपको देखने को मिल जाता है एंड आइकन पैक भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। गैस अगर बात करें ब्लूटूथ के बारे में तो ब्लूटूथ एकदम प्रॉपरली यहाँ पे वर्किंग है एंड साउंड्स के बारे में बात कर ले तो साउंड को लेकर भी एब्सोल्युटली कोई भी प्रॉब्लम मैंने फेस नहीं किया। यहाँ पे आपको वाइब्रेशन पैटर्न को भी चेंज करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। एडवांस में आ जाए तो आप यहाँ पे डायरेक्ट साउंड एनहांसर को भी इनेबल कर पाएंगे एंड हाईफाई ऑडियो को भी आप यहाँ से ही इनेबल कर पाएंगे। चलिए जल्दी से एक कॉल करके जल्दी से देख लेते हैं कि इस रॉम में आपको कॉलिंग परफॉर्मेंस एक्चुअली में कैसा देखने को मिल जाता है। तो जैसे कि आप अभी यहाँ पे देख सकते हैं वाईफाई कॉलिंग एकदम प्रॉपर्ली यहाँ पे वर्किंग है, वाईफाई कॉलिंग का सिंबल यहाँ पे शो हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉलिंग एकदम प्रॉपर्ली वर्किंग है। गाइस बैटरी की बात कर ले तो बैटरी को लेकर एब्सोल्युटली कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं है, 7.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मॉडरेट यूजेज में आपको आराम से देखने को मिल जाएगा, तो ऑप्टिमाइजेशन भी काफी डिसेंट मुझे यहाँ पे देखने को मिला। बैटरी टेम्परेचर भी इसी मेन्यू से आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले सिक्योरिटी के बारे में तो सिक्योरिटी में पिन पैटर्न पासवर्ड एज स्टैंडर्ड एकदम सही से काम करते हैं एंड आपको बायोमेट्रिक्स में फिंगरप्रिंट भी देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे फेस अनलॉक जो है वो अवेलेबल नहीं है। एंड फिंगरप्रिंट की बात कर ले तो फिंगरप्रिंट में आपको कोई भी स्क्रीन ऑफ एफओडी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिंगरप्रिंट यहाँ पे काफी फास्ट है एंड रिलायबल है, एक्यूरेट है एंड एक हैप्टिक फीडबैक भी प्रोवाइड करता है जो काफी सैटिस्फाइंग है, तो फिंगरप्रिंट को लेकर एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से इस पर रिलाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर बात कर ले डिजिटल वेलबिंग की तो डिजिटल वेलबिंग एकदम सही से काम करता है एंड यहाँ पे सिस्टम्स में आ जाए तो आपको सिस्टम अपडेटर भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप फ्रंट कैमरा सेटिंग्स को भी चेंज कर सकते हैं, इनफैक्ट कैलिब्रेट भी कर सकते हैं, यहाँ पे कैलिब्रेट ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अगर बात कर ले तो बैकअप भी आप यहीं से ले सकते हैं इसी ऑप्शन से। यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले कुछ बेसिक एंड्रॉइड 11 के यूआई एलिमेंट्स के बारे में तो यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल एंड ऐप ड्रॉयर को ऑन करने पर जो वॉलपेपर का जूम इन एनिमेशन है वो एकदम सही से यहाँ पे काम करता है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे म्यूजिक प्लेयर को जल्दी से ऑन कर ले एंड कोई भी यहाँ पे एक ऑडियो प्ले कर ले, सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं नोटिफिकेशन शेड में जो एंड्रॉइड 11 का मीडिया विजेट है वो भी एकदम सही से काम करता है एंड इसे एक्सपैंड भी हम लोग कर सकते हैं काफी आसानी से।
यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिलता, आप ज़रूर से इसे एक्सेस कर पाएंगे। एंड रैम से निकाल देने पर नोटिफिकेशन में कोई भी ग्लिच हमें देखने को नहीं मिलता। म्यूजिक प्लेयर जब रैम से हम लोग निकाल देते हैं तो मीडिया विजेट जो है वो भी रिमूव हो जाता है। यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम और भी है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सिम वन इज HD केपेबल। तो सिम वन इज HD केपेबल का ये जो नोटिफिकेशन है ये एक्चुअली रिमूव नहीं होता है, जो थोड़ा सा अनॉइंग है। तो ये एक छोटा सा डाउन पॉइंट आप कह सकते हैं। बात कर ले अगर कैमरा एप्लीकेशन के बारे में, तो कैमरा एकदम से ही बेसिक है। यहाँ पे कोई भी एनिक्स कैमरा हमें देखने को नहीं मिलता, लेकिन ऑब्वियसली आप यहाँ पे जी कैम को इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको प्री इंस्टॉल यहाँ पे वैसे देखने को नहीं मिलता। अगर बात कर लें यहाँ पे सेफ्टी नेट के बारे में, तो अनफॉर्चुनेटली सेफ्टी नेट भी हमें फेल देखने को मिल जाता है। सो ये एक और डाउन पॉइंट आप कह सकते हैं। यहाँ पे अगर बात कर ले हम लोग नेटिव रूट चेकर के बारे में, तो नेटिव रूट चेकर में जल्दी से हम लोग टेस्ट कर सकते हैं नेटिव रूट चेकर को एनेबल करके, कि यहाँ पे टेस्ट कीज, नॉन रिलीज कीज, डेंजरस प्रॉप्स एंड SU बाइनरी को छोड़कर जितने पैरामीटर्स है सबके रिजल्ट हमें पॉजिटिव देखने को मिलते हैं। यहाँ पे सेलिनक्स स्टेटस वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमें एनफोर्सिंग देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अगर बात कर ले प्ले स्टोर में, तो प्ले स्टोर में हमें नेटफ्लिक्स देखने को नहीं मिलता। तो नेटफ्लिक्स अगर आप कंज्यूम करते हैं तो आपको बाहर से APK डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग नेटफ्लिक्स को जल्दी से सर्च कर लेंगे। ये रहा, यहाँ पे नेटफ्लिक्स जो है अवेलेबल नहीं है। DRM इन्फो में अगर वाइड वाइन CDM की बात कर ले, तो वो हमें L1 देखने को मिल जाता है, जिसका मतलब कि आप यहाँ पे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विसेज को फुल HD में कंज्यूम कर पाएंगे विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। अगर हम लोग बात कर ले इस रोम के शेयर परफॉर्मेंस के बारे में, तो परफॉर्मेंस मुझे यहाँ पे डिसेंटली गुड लगा। एकदम से टॉप नॉच नहीं है, लेकिन डिसेंटली गुड है। डे टू डे यूजेज में तो आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे फेस नहीं करना पड़ेगा। ओवरऑल ये रॉम एकदम से परफेक्ट तो नहीं है, कुछ डाउन पॉइंट्स यहाँ पे है। जैसे कि मैंने अभी कहा कि यहाँ पे वोल्टी वीडियो कॉल काम नहीं करता, यहाँ पे HD केपेबल का ये जो नोटिफिकेशन है ये हमेशा रह जाता है, यहाँ पे आपको कोई भी फेस अनलॉक देखने को नहीं मिलता। सेफ्टी नेट स्टेटस की बात कर ले, तो वो भी आपको यहाँ पे फेल देखने को मिल जाता है। नेटफ्लिक्स यहाँ पे प्ले स्टोर में अवेलेबल नहीं है। एंड अगर हम लोग बात कर ले कस्टमाइजेशन के बारे में, तो ये काफी बेसिक है, ज्यादा कोई कस्टमाइजेशन हमें देखने को यहाँ पे नहीं मिलता। एंड लास्टली चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे गीक बेंच के बारे में। तो गीक बेंच मैंने रन किया है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सिंगल कोर में है 674 एंड मल्टी कोर में है 2154, जो कि डिसेंटली गुड स्कोर है एंड काफी रेस्पेक्टेबल है। आपका डे टू डे परफॉर्मेंस तो काफी बेहतर रहेगा इस स्कोर से। सो गाइस चलिए अब देख लेते हैं इस रॉम को अपने डिवाइस में इंस्टॉल कैसे करें। तो इंस्टॉल करने के लिए फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम अप बटन एंड लॉक बटन को साइमल्टेनियसली प्रेस करके हमारा जो फोन है उसे कस्टम रिकवरी मोड में ले जाना पड़ेगा। सो गाइस फर्स्ट में वाइप सेक्शन में आ जाना पड़ेगा। यहाँ पे डेल्फी कैश सिस्टम डेटा, इन चारों को आपको यहाँ पे वाइप कर देना पड़ेगा। एक और बात, ये जो रॉम है ये OSS वेंडर बेस्ड है, तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा वेंडर फाइल फ्लैश नहीं करना पड़ेगा। एंड आप चाहे तो यहाँ पे वेंडर फाइल को भी यहाँ पे वाइप कर सकते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ टेंशन। वाइप हो जाने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रॉम जिप को सिलेक्ट करेंगे एंड फ्लैश कर देंगे। रॉम हो चुका है यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एफक्रिप्ट डिसेबलर का जो जिप फाइल है इसे सेलेक्ट करके फ्लैश कर देंगे। ये फ्लैश हो जाने के बाद एकदम जल्दी से रिमूव सिस्टम का ऑप्शन क्लिक कर लेंगे। गाइस रॉम हो चुका है सक्सेसफुली इंस्टॉल। इसके बाद हम लोग यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू में क्लिक कर लेंगे, जल्दी से किसी भी एक नेटवर्क पे कनेक्ट करके जो बेसिक एंड्रॉइड फॉर्मेलिटीज है उसे कंप्लीट कर लेंगे। ये सब हो जाने के बाद हमारा जो रॉम है एकदम से रेडी हो जाएगा डे टू डे यूजेज के लिए। तो अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज गाइस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।